और ये संयोग है, ये होल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि आज केस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज एन की इन प्रकारें हमारे नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, मनगढ़ंत कहानी फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष नहीं और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा झारखंड खून से सना हुआ ये वीरों का धरती है। इधर सिद्धू कानू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, उधर चांद भैरव है, इधर नीलांबर पीताम्बर है, तेलंगाना खड़िया है, अनगिनत हर चौक चौराहे में हमको क्या डराओगे। तो इसलिए जो हम लोगों ने विगत चार साल में काम करना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सरकार आपके द्वार से गांव गांव, पंचायत पंचायत, आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था, कभी नहीं, लेकिन अब हमने पहले भी कहा था हम लोगों की सरकार बनेगी, ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। और आज इसी को रोकने के लिए भरकस प्रयास हुआ, जिसका एक चोट हमको भी झेलना पड़ा, 5 महीने का ये जेल की सजा, लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा देर तक दबा नहीं रख सकता, ना सिक्कड़ से बांधा जा सकता है, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में फिर से वो आके ऐसा पहाड़ बन के खड़ा होता है कि उस पहाड़ को चढ़ना, ऐसे षड्यंत्रकारियों की हिम्मत कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आज समय कम है, बहुत सारे वक्ता थे, इनको भी आज हम लोग मंच पे ये लोग नहीं संबोधित कर पाए। अभी बहुत जल्द राज्य में फिर से एक हम लोगों का परीक्षा का घड़ी आने वाला है, फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है, समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है, तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो, और हम वादा करते हैं इस राज्य का एक एक जनता अब इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश इनकी चल रही है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़ा की तरह चल रहा है, आज ऐसे ऐसे चीजों पर ये लोग टैक्स लगा रहे हैं और वो टैक्स का पैसा
जिसको लेकर हम लोग बाजार में दाल चावल खरीदते हैं, उसमें पैसा देकर के वो लोग निकल जाता है। बातें बहुत है, हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अभी हम लोग फिर से मिलेंगे, अभी हम तो आए हैं, अभी दो दिन हुआ ही है, और अभी दो दिन में ही इनकी ऐसी खलबली मची है कि देश के बड़े बड़े इनके नेता अब मेरे आगे पीछे घूमने के लिए और हमको फिर से किस तरीके से इनको फंसाया जाए, षड्यंत्र किया जाए, उस पर लगे हैं। उसका चिंता मत करो, हमको जेल, अब तो हम जेल से घूम के भी आ गए और जेल का रोटी भी तोड़ के आए हैं, और जेल, फांसी, पुलिस का लाठी, यहां के तो हमारे पूर्वजों ने सहा है, उसको झेला है। आज उनका शहादत हो, उनका संघर्ष अगर इस राज में ना होता तो शायद इस राज में आदिवासी मूलवासी दिखने को भी नहीं मिलता। आज हमारा खनिज संपदा राज है, इस पर सबका गिद्ध नजर है। इसीलिए जब हम सरकार बनाए थे तो खनिज से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार में हमारा था। जब हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। हम अच्छा भी, हमें भी लगा है, अभी ये भी हमारा अनुभव अच्छा रहा है। हक मांगने का तरीका और परिणाम यही होता है। आप तो हक लेके रहेंगे हर हाल में, और इस राज का खनिज संपदा को हम लोग इस तरीके से इसके लिए कायदा कानून बनाएंगे कि सबसे पहले इस खनिज संपदा का अधिकार यहाँ के झारखंडियों के लिए होगा, उसके बाद इस देश से बाहर जाएगा। हम लोगों ने तो कानून बनाया कि इन कंपनियों में नौकरी में 75% हमारा स्थानीय लोग ही होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं इसका पालन हो रहा है, कहीं अनुपात, कहीं लोग पालन नहीं कर रहे हैं। एक एक करके खोज खोज करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन इस कानून का उल्लंघन करता है। और कैसे हम इस राज के लोगों को अपने ही राज के अंदर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं, ये हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द उसकी इतनी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ताकत इकट्ठा करके एकत्रित रहना पड़ेगा, और आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई के लिए भी फिर से कमर कसना पड़ेगा। इस बार तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन रोड़ा भी बहुत अटकाया है। लोग हर घड़ी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच करके, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये काम नहीं कभी वो काम नहीं, कहीं केंद्र से पैसा नहीं, तो कभी तरह तरह के उलझनों में हमें उलझा रहे थे। अब इस बार जब चुनाव होगा तो इस बार ऐसा चुनाव का परिणाम निकाल के हम लोग इस राज को देंगे कि इस राज में आने वाला समय में एक भी जैसा ही रोड बना हुआ है ना, एकदम फर्राटेदार चलता है, वैसे ही हम लोग का विकास का गति का को हम लोग रफ्तार देंगे, ऐसा परिणाम देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जोहार, अडीडी सराव, तेनोडे मसंगिन संगीन जुब सौर सटेरन आबरन गोबाबा बोया मिश्रा को, माजी आराम नायके गुडित को, आबरन पार्टी रन कार्यकर्ता को, और जहां तना पे सौर सटेर कान आयमा विभाग रन लाभुकगण को, आपे को अडीडी सराव, आयमा लगान योजना आपे लगी आज तो दिसोम को लगी ले बिनाओ का, लेकिन नीत हुई अजमदा कि आयमा होना रहे हो रुकावट में ना, 20 बच्चों 23 22 बच्चों उनको नुमका कार्य व्यवस्था को बिनाओ का क्यों ना हो, तड़ाम लगी और आप पेटेन सेटेरो लगी अडी तकलीफे बुझाओ दा, लेकिन आलो पेन तय होना होले जूता हाँ, और जाल का आले आप पेटेन ने सेनो करना उनका गे आप पे लगी हो विकास योजना तड़ाम करते आप दुआरे से टेर। तो इसलिए साथी
नीना के मेन कहते इन कथा मुचेदा आ रहो अड़ी संगीन सेनोर या कथा बिना अड़ी अड़ी सरहा आरो मिदा अलिंग सेन खन गुरु।